हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल पर। आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस बॉक्स के अंदर क्या है। ये मुझे अभी डिलीवर हुआ है और इसके अंदर इंजन बैली है, जिसे इंजन कवर भी कहते हैं। हर बाइक्स के लिए अलग अलग आता है ये, और मैंने ईबे से ऑर्डर किया था, मुझे अभी मिला है, डिलीवर हुआ है ये। और ये मैं आपको पूरा लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसको कैसे इंस्टॉल करना है और आप अपनी बाइक के लिए कौन से वाला लें, कैसा लें। हर बाइक के लिए स्पेसिफिक आता है ये, सभी बाइक्स का सेम नहीं होता है ये। और चलिए मैं आज इसकी अनबॉक्सिंग आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, आप इसमें देख सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये कुछ क्लैंप्स और इसका जो मेन पार्ट है, इसे मैं एक बार साइड रख देता हूँ। इसका जो मेन पार्ट है ये देखिए, ये इंजन के एक साइड का कवर है। मैं आपको इसे ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इंजन के एक साइड का कवर है और ये दूसरे साइड का कवर है। इसकी क्वालिटी क्वालिटी भी ठीक ही है, अच्छी क्वालिटी है। पैकिंग नॉर्मल सी की है इन्होंने, इसमें कुछ थर्माकोल वगैरह कुछ नहीं लगा हुआ, पर फिर भी मुझे अच्छी कंडीशन में मिला ये बिल्कुल। और मैं इसका सेकंड पार्ट भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इसका सेकंड पार्ट है। ये जो इन्होंने होल छोड़ा हुआ है, ये उस पेट्रोल के लिए, पेट्रोल का जो स्विच होता है उसके लिए होल छोड़ा हुआ है इन्होंने। और इसका इंस्टॉलेशन भी मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो बताइए फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये वीडियो, और कमेंट कीजिए अगर आपको इसके बारे में कुछ भी पूछना है तो। और मैं लिंक तो डिस्क्रिप्शन में दे ही रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।